इंग्लिश की बात करते हैं, स्टडी मटेरियल की, टॉपिक्स की बात करते हैं, और मोर सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि भाई इंग्लिश में बेसिकली हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो चलो पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले जो आता है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारा है एलिमेंट्री इंग्लिश, एलिमेंट्री बोलूंगा मैं उसे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ में इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे का। ठीक, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो इसका पैटर्न भी बेसिकली जीके की तरह ही है, 120 क्वेश्चन है आपके पास में 120 मिनट्स के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर 100 मार्क्स के टोटल मार्क्स आते हैं आपको, तो 0.83 मार्क्स आपको अलॉट होते हैं एक क्वेश्चन को सही करने पे, और वहीं अगर आप उसको गलत करते हो तो 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। फिर अब हम इसका कंपोजिशन की बात करते हैं, तो CDS 1 2020 से लेके CDS 2 2021 तक पैटर्न में कोई खास अंतर नहीं आया है। थोड़ा बहुत एक दो जो टॉपिक्स हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, अदरवाइज मोर और लेस चीजें सेम है। पहले क्या होता था, कई सारे जो मतलब पहले सेक्शंस कम थे, क्वेश्चन के नंबर ज्यादा होते थे। जैसे कि ये स्पॉटिंग एरर्स है जो सबसे पहले, इसमें पहले क्वेश्चंस आते थे अराउंड 20। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेसेस कभी कभार आ जाता था, कभी कभार नहीं आता था। कॉम्प्रिहेंशन में भी 20 क्वेश्चंस आते थे, कभी कभार 2 पैसेजेस दे दिया करते थे, अदरवाइज 4 पैसेजेस दे दिया करते थे 5-5 क्वेश्चंस वाले। ठीक है, और ये रहते थे मोस्टली 10 क्वेश्चन वाले। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हमेशा से रहा है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमेशा से रहा है मोस्टली, एंटोनिम्स सिनोनिम्स रहे हैं। अब क्या बात आती है, जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो अप एंड डाउन होते रहते हैं वो रहते हैं इडियम्स एंड फ्रेसेस, जो अभी हाल फिलहाल के पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स में कंसिस्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अभी बीच में एक बार आया, उसके बाद ये नहीं आया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, ये थोड़ा एक ही टॉपिक के आसपास वाली चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब चीजें इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बेसिक सा है, ये बेसिकली एफकेट में आता है और एक या दो बार इसने सीडीएस में भी एंट्री दिखाई है। तो अभी हाल फिलहाल का पैटर्न वो ये है कि हर सेक्शन के 10-10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ सीडीएस 2 के कमीशन की बात करें तो इसमें क्लॉज कंपोजिशन में 20 क्वेश्चंस आए हैं और बाकी सारे के सारे जो टॉपिक्स रहे हैं उसमें सेम रहे हैं। ठीक है, तो कोई खास अंतर नहीं आया। अब सीडीएस 1 2021 की बात करते हैं, सब चीजें सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी जगह जैसे मैंने बताया डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच आ सकती है या फिर रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है, और बाकी प्रोपोजिशन और डिटरमाइनर्स वो एक न्यू एंट्री थी सीडीएस 1 2021 से, जो CDS 2 में भी रहा है और होपफुली CDS 1 2022 में भी रहेगा। तो ये बेसिकली पैटर्न है, कुछ इसमें अलग नहीं करना। अगर जैसे GK है, GK में हमें क्या करना पड़ता है कि मैं खुद से सारे के सारे डिविजन्स करने पड़ते हैं कि भाई ये ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी के अलग डिवीजन होगा, हिस्ट्री के अलग डिवीजन होगा, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर दे रखी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है, हेडिंग में लिखा रहता है, तो इसमें आपको अलग से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये चीज आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाती है। अब बात करते हैं CDS 2। CDS 2 में भी पैटर्न सेम रहा है, स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चन आगे भी रहेंगे, इडियम्स एंड फ्रेसेस के 10, कॉम्प्रिहेंशन के 10, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस के 10, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के, फिल इन द ब्लैंक्स एसेट्रा एसेट्रा, सबके लगभग सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ टॉपिक्स है ना जो अप एंड डाउन होते हैं, इन टॉपिक्स को हम साथ में लेके चलेंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच को भी लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी लेंगे, क्लॉज कंपोजिशन को भी लेंगे, प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स को भी लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को भी लेंगे, और साथ ही साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले चैप्टर्स हैं उनको भी हम साथ ही साथ में लेंगे। ठीक है, कई जगह कई सारी टेक्निक्स एप्लीकेबल होती हैं, वी विल बी सीइंग देम टू। ठीक, किसी कोई डाउट अभी कंपोजिशन में? नो सर, नो सर। ठीक है, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ डाउट वाली चीज नहीं है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज की। तो जो सबसे पहली बुक हम यूज करते हैं, दिस इज प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इसका मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, PDF, और प्लिंथ टू सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोमेंट, हमें ऑडिबल ना? यस सर, यस सर, यस सर।
तो मेरे पास इस बार मैं इनकी मतलब की जो हार्ड कॉपी से वो भी लेके आया हूँ। तो जो वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम वन डील करती है बेसिक ग्रामर के साथ में, ठीक है। जो भी बेसिक ग्रामर के पार्ट हैं, जैसे कि नाउन की बात करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, यू नो, टेंस के साथ भी डील करती है ये। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो टॉपिक है वो भी सॉरी हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बीच में एक बार वो भी आया था। इसके साथ ही साथ में वर्ब, पार्टिसिपल, इन्वर्जन, ये सब चीजें कवर होती हैं इसमें, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन वगैरह वगैरह, ये सब इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो इसमें एंटोनिम्स और सोनिम्स भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस वाला मटेरियल भी काफी है, बट वॉल्यूम टू जो है, वॉल्यूम टू के में प्रैक्टिस मटेरियल आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम टू, वॉल्यूम टू में सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, और बेसिक के साथ में थोड़ा एडवांस तरीके से भी ग्रामर की स्टडी होगी। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि हम ग्रामर के जो रूल्स हैं हम पहले उनको पढ़ेंगे अच्छे से, उनके जो एप्लीकेशंस होंगे हम वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लगातार उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक सी स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी यही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। 60 मार्क्स नॉर्मली जो CBSE स्टूडेंट हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, 50 से लेके 60 मार्क्स तक वो यूजली स्कोर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अंदर एक चीज आ जाती है कि भाई 60 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और है, 70 या 75 आराम से आ सकते हैं। बट वही डिफरेंस होता है कि भाई 60 मार्क्स तो नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन 70 to 75 पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आपका ग्रामर का कंपोनेंट बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। ये जो एक एक मार्क्स का जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये ग्रामर की वजह से होता है, ये प्रैक्टिस की वजह से होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, वोकैब की अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों की वजह से होता है। तो 60 तो आपके आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आप CBSE से पढ़े हो, ठीक। CBSE से पढ़े तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि एक बेसिक अंदर चीज आती है कि भाई उस तरह की बुक्स हमने पढ़ी है या फिर रीडिंग वगैरह की है, तो आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स भले ही नहीं पता, ठीक है, आपको रूल्स भले ही नहीं पता, लेकिन आप क्या करते हो, किसी भी सेंटेंस को जैसे आप देखते हो ना, वैसे आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या गलत है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाता है। नहीं, सेंटेंस गलत है, स्ट्रक्चर गलत है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या गलत है, वो चीज एग्जैक्टली पता करनी है तो वो ग्रामर से आएगी, तभी स्पॉटिंग एरर्स में हमें दिक्कत आ जाती है। स्पॉटिंग एरर्स इतना ज्यादा नहीं कर पाते ग्रामर का जो भी पोर्शन आता है, जबकि जो स्टेट बोर्ड वाले बंदे हैं, ठीक है, वो ग्रामर पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाते हैं, लेकिन उनका जो नेगेटिव पॉइंट होता है, पर कौन सा होता है, वो क्या होता है, उनका कौन मोस्टली आता है रीडिंग वाली चीज में, क्योंकि उनको रीडिंग की इतनी ज्यादा हैबिट नहीं होती, तो ये उनके साथ में इश्यूज आते हैं, ठीक है, समझे ना। कॉन्वेंट वालों में और जो बेसिकली हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले, स्टेट बोर्ड वालों में, CBSE बोर्ड वालों में क्या इश्यूज आते हैं, तो ये इश्यूज फेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अरिहंत पाथफाइंडर में भी काफी मटेरियल दे रखा है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। प्रैक्टिस बुकलेट्स में कुछ PDFs वो रहेंगी, और PYQPS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, अराउंड 10 साल के उठा लो तो भी कम ही है, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश में प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्योर आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश के लेवल बहुत बेसिक आता है, बट मेजर चीज यही है कि अगर आप 60 मार्क्स स्कोर करते हो तो उसको आपको 75 या 80 तक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। अब एक और चीज इसमें आती है, जो मैंने पहले जनरल स्ट्रेटजी में बताया था कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज पे स्पेसिफिक फोकस रखना पड़ेगा कि भाई आपको 75+ मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, ठीक है, इतना आपको एम लेके ही चलना, क्योंकि इंग्लिश विल बी द की। मेल कैंडिडेट्स की बात में मैथ्स है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं तो बंदा मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर लेता है, ठीक है, लेकिन आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए फीमेल कैंडिडेट्स को इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, यही आपका मेरिट में चीजें डिटरमाइन करती है। कोई डाउट इसमें? नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर ना। वैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट के साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो SP बख्शी भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है, बट पर्सनली आई प्रेफर प्लिंथ टू पैरामाउंट, क्योंकि इसमें काफी अच्छे बेसिक तरीके से एग्जांपल्स के साथ में कवर कर रखा है। तो PDFs भी अवेलेबल है, यू कैन प्रैक्टिस विद देम, एंड इफ यू वांट टू, एंड आई विल एडवाइस, क्योंकि
कि उसके दोनों वॉल्यूम्स खरीद लो, अराउंड 500 या 600 के पड़ेंगे दोनों वॉल्यूम्स, ठीक है। वो आपके एफकेट में भी काम आएंगे, आपके सीडीसी में भी काम आएंगे, और बाकी कोई अगर आप एग्जाम देते हो एसएससी वगैरह उसमें भी वो काफी ज्यादा काम आएंगे। तो इफ यू कैन देन डू परचेज देम, ठीक। अब बात करते हैं जनरल स्ट्रेटेजी। जैसा मैंने बताया कि भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस बेसी रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द रूल्स, रूल्स को समझो, उनको एग्जीक्यूट करो, और उसके साथ में जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरे मॉड्यूल में ये कीवर्ड रहेगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप लोग सुन सुन के थक जाओगे, ठीक है। पूरा एग्जाम इंग्लिश का एज वेल एज मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस बेस्ड। ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है हमारा, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि डिटरमाइनिंग जो डिफरेंस होता है ना 65 से मार्क्स से लेके 75 मार्क्स तक, ये पूरा डिफरेंस ग्रामर की वजह से ही क्रिएट होता है। इसकी ग्रामर अच्छी है, मतलब रीडिंग तो चलो आपकी अच्छी है ही है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रामर भी अच्छी है तो आप समझ लो कि ये जो 5-10 मार्क्स वाला जो डिफरेंस है वो आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक। वोकैबुलरी बिल्डिंग के बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, क्रिएटिव एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरे मॉड्यूल में अलग अलग वोकैब को कोई अलग से सिंपल ऐसी चीज नहीं होती कि आपने वर्ड पढ़ा, आपने उसकी मीनिंग समझी, आपने याद करने की कोशिश की और हो गई आपकी वोकैब डेवलप। ऐसे वोकैब नहीं होती और ऐसे कभी वोकैब डेवलप नहीं होती। हमारे स्कूल्स में मोस्टली ये चीजें सिखाई जाती है कि भाई वोकैब डेवलप करने के लिए आप क्या करो कि वर्ड्स और मीनिंग्स याद करो, कभी नहीं होती इस तरीके से, ठीक है। तो वोकैब डेवलप करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो मैं जो सिंपल तरीका यूज करता हूँ वो मैं आपको समझा दूंगा। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी जो आगे बताऊंगा उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वोकैब भी डेवलप कर सकते हैं काफी अच्छे खासे तरीके से, और वो मल्टीपल रोल प्ले करती है, ठीक है, एक नहीं मल्टीपल रोल प्ले करती है वो वोकैब बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज। और सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसमें चाहिए होती है, बीच में छोड़ दोगे तो उससे नहीं होगा। एक और चीज, मॉक्स आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आपको पूरा टॉपिक आपने पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उसके बाद ही मॉक्स आप स्टार्ट करो, नहीं, आप स्टार्टिंग से भी क्या कर सकते हो, मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। गलत होने दो, सही होने दो, इंग्लिश में पैटर्न रिपीटेटिव है, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस भी रिपीटेटिव आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स रिपीटेटिव है, रूल्स रिपीटेटिव है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा विजिट कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो, उतना ही बेटर है, ठीक। अब एक्यूरेसी एकदम हाई रखनी है, जितने अटेंड करो अच्छे से करो, ओवरऑल मार्क्स में इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक या दो घंटे डेली दो, प्रीवियस ठीक, एक रीडिंग की हैबिट डालो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, ठीक है, जो भी मिल रहा है। ऐसा नहीं क्योंकि आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिले, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में जो टॉपिक आते हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं आते, ठीक है। ये ग्रामर के अपार्ट जितने भी सेक्शंस आते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये आपको एकेडमी लाइफ में भी हेल्प करेगा, सर्विस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बहुत ज्यादा जाके पढ़ना है, ठीक। रीडिंग मतलब कि आई कांट एम्फेसिस कितना ज्यादा मैं आपको बोलूं, लेकिन जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो। सबसे अच्छी चीज है कि बुक्स पढ़ो, जितनी ज्यादा बुक्स इधर उधर से ले सकते हो, पीडीएफ वगैरह ले सकते हो, उनको पढ़ो, ठीक है। बहुत फोकस करने आने, बहुत इंप्रूवमेंट आता है चीजों को, पार्ट्स को आप आराम से कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, फ्लुएंसी डेवलप होती है आपकी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो आप आराम से बना लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि भाई ये करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो कैब तो आपकी डेवलप होती ही होती है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इम्प्लीकेशंस होते हैं उस चीज के। सो दिस इज द जनरल थिंग कि भाई इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, रात को सोने से पहले 2 पेज या 3 पेज है या फिर 10 पेज का एक वो बना लो कि भाई 10 पेज मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, 10 पेज अच्छे से पढ़ने अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो उनको बोल बोल के पढ़ो, ठीक है, स्पीक वाइल यू आर रीडिंग दैम। मैं पहले से बहुत करता था, जो अपनी कोर्स की बुक्स होती थी ना एनसीईआरटी, उसमें कई सारे प्लेज वगैरह रहते थे, तो प्लेज में अलग अलग नैरेटर्स होते थे, अलग अलग कैरेक्टर्स हुआ करते थे, तो मैं उनको क्या बोलते हैं बोल बोल के पढ़ता था। एक वो प्ले था ना जूलियस सीजर का एनसीईआरटी में, तो मैं उसको मैंने कम से कम 10-15 बार पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, ठीक है, अलग अलग टोन में पढ़ता था, उसमें एंटनी की अलग आवाज निकाल के या फिर जो भी टोन रहती थी वो करने की कोशिश किया करता था। एंड आई वाज द टॉप स्कोरर इन माय 10th क्लास इन इंग्लिश इन द एंटायर स्कूल एपीएस ग्वालियर, ठीक। सो प्लीज इस बात पे फोकस करो, मेरी बात मानो, रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, बहुत सही रहेगा, ठीक। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर।
फिर जो द हिंदू है या फिर इस तरह की कोई मतलब कि न्यूज़पेपर से जिन्हें आप पढ़ते हो, तो उनको आप रेगुलरली बेटर रीडिंग की पढ़ो, ठीक है, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ो, या आपकी जीके रिटेन के साथ ही साथ में, जीडी के साथ ही साथ में इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। मतलब करंट अफेयर्स तो आपके हो ही रहे हैं, आपको ओपिनियंस देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई द हिंदू की आइडियोलॉजी पे जाओ, बेसिकली उसकी आइडियोलॉजी मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ओपिनियंस को पढ़ने की कोशिश करो, अपना खुद का ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करो, फैक्ट्स पे ध्यान दो। ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, इंटरव्यू के साथ साथ जीडी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं स्पेसिफिकली चीजों की। अगर हम ग्रामर की जैसे बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह इन सब की हम थ्योरी, मतलब कि इनके जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ में हम लोग इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहेगी, थ्योरी रूल्स फिर क्वेश्चंस, थ्योरी रूल्स फिर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा क्या होगा कि आपने थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस किए, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस किए किसी भी टॉपिक के, उसके बाद में जब स्पॉट इन द एरर जैसे वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या होता है कि आप इन सारी थ्योरीज को कंबाइंड करके यहाँ फिर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो स्पॉट इन द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन सब में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर, ठीक है। पहले इतना ज्यादा पोर्शन नहीं था ग्रामर का, लेकिन अभी पोर्शन जो ग्रामर का काफी कंसिडरेबल है, तो वो हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ग्रामर अगर आप नहीं कर रहे, सो यू आर टेकिंग अ बिट ऑफ रिस्क, ठीक। तो फिर आप क्या कर रहे हो कि आप अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, बट वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर द एंटायर 120 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो अनलाइक जीके जहां पर आप 120 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। आई यूज टू अटेम्प्ट 120 आउट ऑफ 120, कई बार 118 हो जाते थे। यूजुअली क्या होता था कि 107 108 पे चीजें गायब हो जाती थी, मतलब फिर ये लगता था कि 10-12 क्वेश्चन करने में बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, लेकिन मैं 10-12 क्वेश्चन का फिर थोड़ा सा गेस वर्क से काम चला लेता था, ठीक है। तो मुझे इसमें पता रहता था कि भाई मेरी एक्यूरेसी हाई है, मुझे पता रहता कि हाँ ये चीज अच्छी की है, वो चीज अच्छी की है। तो अराउंड आपको फिर भी एक जनरल रूल के हिसाब से 100+ क्वेश्चन तो करके आने ही हैं इंग्लिश में, उससे कम करके आ रहे हो, सो यू आर नॉट गोइंग फॉर द स्कोरिंग थिंग, ठीक। फिर आप बेसिक सिर्फ उसका वो क्लियर करो, जबकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो आपके स्कोरिंग के लिए ही है। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। ओके, अब वोकैब की बात करते हैं, ठीक। तो जब भी हम वोकैब की बात करते हैं, तो सिंपल जो वर्ड और मीनिंग होता है उससे हमारा काम नहीं चलता है, ठीक है। हमें वर्ड्स के किस कंटेक्स्ट में यूज किए गए हैं, ठीक है, वो मीनिंग हमें पता चलनी चाहिए। उसके लिए असाइनमेंट्स के थ्रू हम सिंपल मेथडोलॉजी डेवलप करते हैं, ठीक है। क्या है वो मेथडोलॉजी, वो मैं आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बताऊंगा, ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको डेडिकेशन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए और कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। एक अलग से हम कॉपी जो है उसको हम मेंटेन करेंगे और उसके थ्रू हम चीजें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें लगेंगे, पर मैं आपको भी आगे बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, चलो, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस रीडिंग ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल। पढ़ना है, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा ही आपको वहां कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ने की आदत पड़ेगी। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एक बार एक नजर मार लो क्वेश्चंस पे। जैसे अभी क्या है, अभी जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो दो आते हैं, ठीक है, 5 questions each। तो सबसे पहले क्या कर लो, उनके क्वेश्चंस को एक बार देख लो। जब क्वेश्चंस को आप देखोगे ना, तो क्या होगा कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल, अगर उसमें आपसे पूछा गया है कि वोकैब के वक्त क्वेश्चन है, ठीक है, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स का है, या फिर टाइटल आपसे पूछा गया है, या फिर सेंट्रल थीम आपसे पूछी गई है, तो अगर वो क्वेश्चन होता है ना, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही एक आइडिया लगने लगता है, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लो, फिर आप क्या करो, उसके बाद गो टू द सेंट्रल आइडिया जो भी पैसेज का है, ठीक है। जब आप पैसेज पढ़ोगे, तो एक सेंट्रल आइडिया आपको पता चलेगा कि भाई ये इसका जो डोमेन है या फील्ड है वो किसकी तरफ सेंटर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, इट कैन बी अबाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, या फिर किसी और चीज की इसमें आलोचना की गई है, किसी चीज को प्रेज किया गया, इस तरह की सेंट्रल आइडियाज रहते हैं। फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, भाई स्ट्रक्चर बेसिकली जो
है पैसेज का वो किस टाइप में है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी। तो उसके बाद एक बेसिक समरी हमें पता लग जाएगी कि भाई समरी क्या है इसकी, जो पैसेज में टोन्स यूज की गई, क्रिटिकल टोन्स हैं, प्रेजवर्थी टोन्स हैं, रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस्ड हैं, या फिर क्या बोलते हैं रिसर्च के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है, या फिर बेसिक नॉर्मल टोन है, इन टोन्स में फोकस करेंगे, ठीक है। फिर हम जो टाइटल्स होता है, जो वोकैब वाला पार्ट है, एडियम्स एंड फ्रेसेस हैं, इन सब चीजों पे फोकस धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पैसेज पढ़ लिया है उसके बाद में वही सिमिलर टर्म्स हैं जो इन्फ्रेंसेज हैं वो हम यूज करेंगे कॉम्प्रिहेंशंस में, और वही हम चीज एग्जीक्यूट करेंगे ऑप्शंस में। नाउ आई विल टेल यू कि आगे हम जैसे कैसे करते हैं, ठीक। तो इसमें जो भी चीज होती है वो रहती है इनसाइड इंफॉर्मेशन की। कॉम्प्रिहेंशंस में हम कभी भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते हैं। जो भी चीज आपको अवेलेबल है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है। जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उतना ही इंफॉर्मेशन नेक्स्ट कैंडिडेट के पास में है। बस फर्क इतना है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से आपने वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कितना है। दो वी आर नॉट कम्पीटिंग ऑन दैट लेवल, लेकिन इन दी एंड जब लैक्स ऑफ कैंडिडेट साथ बैठते हैं और उनका अगर प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो क्या होता है कि कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई जा रही है। तो आपको वो एक्यूरेसी हाई मेंटेन करनी है, आपको प्रैक्टिस हाई मेंटेन करनी है, सो दैट आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से डिराइव कर पा रहे हो। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। कूल। यस सर। स्पॉटिंग द एरर्स की बात करें तो इनका जो बेसिक रहता है दैट इज फ्रॉम टेंसेस, ठीक है, जो बेसिक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हम यूज करते हैं, उनकी जो रूल्स होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, स्पेलिंग्स का पार्ट थोड़ा कम रहता है, वर्ब्स का, आर्टिकल्स का, कंजक्शंस का, ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ये ही स्पॉटिंग द एरर्स का बेस फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। यूजुअली ये सेंटेंस में भी आते हैं और पैराग्राफ्स में भी आते हैं, ठीक है, कई बार पैराग्राफ्स में भी आते हैं और सेंटेंस में तो आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली जो नजर जाती है आपकी पूरी सेंटेंस पे जाती है, ठीक है, सेंटेंस पे जो आपकी जो पहली नजर जाती है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड रहता है, ठीक है। तो पहली बार आप उसको एज अ होल पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप उनके ऑप्शंस देखते हो, तो सबसे पहली नजर, सॉरी दूसरी नजर जो है आपकी वो एक ऐसे ऑप्शन पे चली जाएगी जो अनलाइकली है या फिर जो फिट नहीं हो रहा है। अगर यू आर एन एविड रीडर, ठीक है, तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे, आपकी गट फीलिंग आपको ये बता देगी कि दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है, ठीक है, या तो ए पार्ट गलत है या बी पार्ट गलत है या सी पार्ट गलत है या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर मतलब कि पूरा सेंटेंस आपका जो सही है, आप ये हो सकता है आप ये पता ना कर पाओगे भाई इसमें क्या गलत है, एग्जैक्टली ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है, लेकिन वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो आपको थोड़ा सा गलत लगेगा। वाई? क्योंकि आपको एक हैबिट पड़ चुकी है ड्यू टू रीडिंग कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, कहाँ पर हम कंजक्शंस यूज करते हैं, कहाँ पर जो सेंटेंस की जो स्टार्ट होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये चीजें हमें वहां पता लग जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपको फोकस करना है हर पार्ट पे, जो अलग अलग पार्ट है उन पे इंडिविजुअली फोकस करो कि भाई किस तरीके से उसमें चीजें आ रही हैं, किस तरह से रूल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा ये जो स्पॉटिंग एरर्स है ये बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ग्रामर की प्रैक्टिस जितने हम ज्यादा करेंगे इट विल बिकम इजियर। कोई डाउट क्लोज स्पॉटिंग एरर्स में? जैसे मैक्सिमम लोगों को आती है ना दिक्कत इसमें? हमारा जो फोकस रहता है वो रीडिंग पे और बाकी सारी चीजों पे, बकैती पे ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स हमें ग्रामर के पता नहीं होते, और इंग्लिश सीरीज देख देख के, मूवीज देख देख के ऑटोमेटिकली हमारी फ्लुएंसी बड़े ही अच्छी हो गई हो, हमारी बाकी चीजें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो कोर ग्रामर होता है ना वो स्टेट बोर्ड वालों के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा सा कमजोर रहता है। एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। ये पढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लॉज टेस्ट पे। दोनों बेसिकली एक तरीके कुछ कुछ सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं वो यूजुअली इंडिविजुअल सेंटेंसेस के तौर पे भी आते हैं, ठीक है,
और पैसेजेस के तौर पे भी आते हैं, लेकिन क्लॉज टेस्ट ऑलवेज कम्स एज अ पैसेज। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, क्लॉज टेस्ट ऑलवेज कम्स एज अ पैसेज, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आपको 10 अलग अलग सेंटेंस दे दिए जाएंगे या फिर एक कंबाइंड पूरा स्टोरी टाइप में दे दिया जाएगा, वहां पर अलग अलग आपको फिट करना है। अगर स्टोरी टाइप में आता है ना तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है, अगर हम रीडिंग एविड रीडर हैं तो, क्योंकि वो फ्लो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और क्लॉज टेस्ट में ये एडवांटेज हमारे पास में रहता है ऑटोमेटिकली। कंटेक्स्ट पता करना चाहिए भाई, क्या कंटेक्स्ट में बात हो रही है पैसेज में, ठीक है, क्या फ्लो है पैसेज का। तो मैंने जैसे बताया, रीडर्स को एक एज मिलेगा क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई व्हाट फिट्स हियर, ठीक है, उनको पता है कि ए कहाँ फिट होगा, एन कहाँ फिट होगा, बट कहाँ फिट होगा, वगैरह वगैरह कहाँ पर फिट होगा, उनको ये पता रहता है, ठीक, तो एक ऑटोमेटिकली एज मिल जाता है। लॉजिकल कनेक्शंस देखने हैं, कोरिलेटिंग फ्रेजेस देखने हैं, जो ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं, ऐसे कनेक्शन जो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, ऐसे हमें क्या बोलते हैं देखने हैं। क्लॉज टेस्ट को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की तरह मत देखो, बस उसको ओवरऑल एक पैसेज की तरह देखना है, तभी हम उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, इसमें ग्रामर का पोर्शन भी आ जाता है, वोकैब का पोर्शन भी आ जाता है, ये सब चीजें भी इसमें आ जाती है। अब सबसे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या फिर पैराजम्बल्ड, ठीक है। इसमें एक तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, एक आता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। तो इसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपको एस वन दे दिया, एक सेंटेंस हो गया, आपको एस टू दे दिया, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए पी क्यू आर और एस, ठीक। अब आपको फिर बीच में अलग अलग ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका हो गया पी एस आर क्यू, ठीक है, दूसरा आपका पी क्यू आर एस ए हो गया, चौथा आपका आर एस क्यू पी हो गया, या फिर पांचवा आपका हो गया आर पी क्यू एस, ठीक। इस तरह के आपको ऑप्शंस अलग अलग मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहली बेसिक चीज होती है वो ये कि भाई डोंट गो आउट ऑफ द ऑप्शंस। हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि हम अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है ना, 10 क्वेश्चन बाद पहले 20 क्वेश्चन आते थे इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, ठीक। तो कोशिश करो कि इसको लास्ट के लिए छोड़ के किया करो फिर, ठीक। मैं लास्ट के लिए छोड़ के करता था। तो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली मैं एस वन पढ़ा, हमने एस टू पढ़ा, फिर हम पी क्यू आर एस को अपने हिसाब से बनाने लग जाते हैं। बस ये मत करो, ठीक है, पी क्यू आर एस को एक बार पढ़ लो, फिर फॉलो द ऑप्शंस, ऑलवेज ऑप्शंस को फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। पी एस आर क्यू हो रहा है, पी क्यू आर एस हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो इससे क्या फायदा रहता है कि आपका थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है। आपने एक ऑप्शन को देखा, ये आपको नहीं सही लगा, फिर आपने दूसरे को देखा, ये भी आपको सही नहीं लगा, आपने ये ट्राई किया, ये भी सही लगा, और आपने चौथा किया, आपको चौथा सही लगने लगा, फिर आपने एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लिया और आपको समझ में आ गया, ओके आर पी क्यू एस इज द राइट ऑर्डर दैट कैन फिट हेयर, ठीक है, ये आपने ट्राई कर लिया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में हम लोग एक गलती करते हैं कि कई बार आपने ए ऑप्शन देखा ना, ए क्या लग रहा है आपको, एकदम सही लग रहा है कि भाई एकदम सही फिट हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक। लेकिन कई बार हम बी पर जाते हैं तो बी थोड़ा ज्यादा फिट होता है, ठीक है। ऐसी गलती कई बार मुझसे हुई है कि मैंने ए ऑप्शन टिक कर दिया, फिर मैंने बी सी और डी को देखा ही नहीं कि भाई ए ही फिट हो रहा है तो बी सी डी को क्या देखना, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार बी और सी फिट नहीं हो रहे हैं लेकिन डी है ना वो ए से ज्यादा फिट हो रहा है, एक ज्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि ओवरऑल जब आप इनको सबको मिलाते हो तो एक पैराग्राफ की तरह होते हैं, एक स्टोरी की तरह होते हैं। मतलब कि कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी इंसिडेंट की बात हो रही है तो S1 से लेके PQRS और S2 में वो चीजें यूज हो जाती हैं, ठीक। तो हमेशा चारों ऑप्शंस आपको चेक करने हैं, ठीक, ऑलवेज चेक ऑल ऑप्शंस, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक। फिर क्या करना है, हमें कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स देखने होते हैं, इफ हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, तो हमें पता है कि अगर मान लो इसमें इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये पहले सेंटेंसेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो भी ऑप्शंस में ये पहले आ रहे हैं वो ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं, हम उनके टाइप्स का ध्यान देंगे, जब हम उनको पढ़ेंगे तो कुछ डेफिनेशंस होती हैं उनकी, हम उनको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस है। सो हम ऐसे ऑप्शंस को देखेंगे जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस को पहले तौर पे रखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज पी, तो हमने पी को रख लिया। फिर हम कंक्लूजन वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें देयरफॉर रहता है, हेंस रहता है, इस तरह की चीजें रहती हैं। ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं कि पैसेज इज अबाउट टू एंड या पैसेज एंड हो रहा है, तो ये एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरह हो जाते हैं।
तो ऐसे ऑप्शंस को हम देखेंगे कि भाई वो लास्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं या फिर जो बेसिक रीजनिंग होती है, ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया जो पैसेज कर रहा था उसके साथ में एसोसिएटेड रहती है, इन चीजों के साथ में बिगिनिंग भी कंक्लूजन वाली, इन चीजों पे हमें फोकस करना है, इन चीजों पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, इन पे हम काम करते जाएंगे और इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक, इट इज अ बिट डिफिकल्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट विद प्रैक्टिस ये जो इसमें एक्यूरेसी आप 100% ला सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स में भाई कई बार होता है कि हमने वर्ड नहीं सुना है, मीनिंग्स नहीं सुनी, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इस कॉम्प्रिहेंशन की तरह जो इन्फॉर्मेशन इसमें 5 sentences में, 4 or 6 sentences में है, वो उसके अपार्ट से बाहर से कहीं से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब जनरल स्पीच, सॉरी जनरल स्ट्रेटेजी, जो रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया जाती है, जो भी जो रूल्स ऑफ कन्वर्जन होते हैं डायरेक्ट के, इनडायरेक्ट के और वाइस वर्सा वाले, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेंसेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, उन पे फोकस पुट करेंगे। ग्रामेटिकल टॉपिक है प्योर, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसके साथ में एक्टिव एज वेल एज पैसिव जो टॉपिक है उस पे भी सेम हमारा अप्रोच रहेगा, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें खास। एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अपने आप में जो उनका प्रिंसिपल है वो तो है ही कि एंटोनिम्स में हम कौन सा यू नो अगेंस्ट वाला देख रहे हैं, अपोजिट वाला सेंटेंस देख रहे हैं, सिनोनिम्स में हम सेम वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स आर बेसिकली अपोजिट लुकिंग मीनिंग वर्ड, सिनोनिम्स में सेम मीनिंग वाला वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये वोकैब बिल्डिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करते हैं हम लोग कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स अलग पढ़ रहे हैं और जो वोकैब बिल्डिंग के तरीके हैं उनको हम अलग देख रहे हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। वोकैब बिल्डिंग में इनको कैसे यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एंटोनिम्स का कोई एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है आपके पास में, एक कोई भी क्वेश्चन में इसको आपको क्या करना है, अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास में कितने वर्ड्स हो गए, टोटल आपके पास में हो गए 5 words, ठीक। अब हो सकता है कि आपको इसमें से सेकंड की और थर्ड की मीनिंग पता हो, ठीक है, आपको उनकी मीनिंग पता हो, लेकिन आपने ए जो वर्ड है वो आपने पहली बार सुना है, या फिर आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, आपके पास 1 और 4 जो है वो आपके पास में इन तीनों वर्ड्स की अपनी मीनिंग नहीं सुनी, तो आपके पास में ओवरऑल 3 words हो गए एक क्वेश्चन से। वैसे तो बेसिकली 5 words भी हम ले सकते हैं, 5 words हो गए आपके पास। इन 5 words का आपको क्या करना है, एक अलग से कॉपी मेंटेन करो, पहला वर्ड आपने लिखा, उसके आगे आपने क्या किया, अपनी मीनिंग नहीं लिखी, अपनी मीनिंग उसकी डिक्शनरी से या फिर जो भी सोर्सेज हैं उनसे आपने देख लिया, आपने समझ ली, फिर आपने उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब भी आप उसे पढ़ो आपको इस वर्ड का जो है मीनिंग समझ में आ जाए कि मैंने इस वर्ड को इस सेंटेंस में किस लिए आ रहे हो। तो सबसे पहला फोकस आपका इस चीज पे होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। कोशिश करो, और पहली बार में सही नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सही है। अगर नहीं हो पा रहा तो ग्रामेटिकली यूज करो, उस पर ट्राई कर लो, ठीक है। फिर दूसरी चीज, WAT के अकॉर्डिंग बनाओ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पता है आप लोगों को जो SSB में होता है, उसमें हमको सर्टेन OLQs फॉलो करते हैं और हम अपनी क्वालिटीज हैं उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो WAT के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही कोशिश करो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही हो उसका, और उसकी मतलब ग्रामर भी सही हो, और WAT के अकॉर्डिंग आप उसको फॉर्मेशन कर पाओ। तो ये वाली प्रैक्टिस आपकी टाइम्ड नहीं रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप वर्ड WAT का साइकोलॉजी टेस्ट देने जाओगे तो SSB में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पा रहे हो जिसकी मीनिंग भी आपको इन्फर कर रही हो, प्लस वो WAT के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही है। और तीसरा जो रहता है, ऑटोमेटिकली इसे आपकी वोकैब क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। समझ आया कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस सर। यस सर। दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस सर। नो सर। ठीक है, कोई भी आपके पास में वर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई भी वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड को एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम लोग जानते ही हो कि 4 ऑप्शंस होते हैं एक वर्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप एंटोनिम्स में टोटल मिला के 5 words हो गए, उन 5 words में से
आपको क्या करना है, हर एक वर्ड के ऊपर जो आपको नहीं आता, जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, उस वर्ड के ऊपर आपको उसकी मीनिंग समझ के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, एक अलग से नोटबुक है, उसको मेंटेन करो सिर्फ इसी चीज के लिए, वो क्या, बिल्डिंग के लिए। ठीक है, उसमें आपने एक वर्ड के आगे एक सेंटेंस जो है वो आपने बनाया। अब उस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, पहला ये कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग, कोशिश करो। ठीक है, हर बार मतलब पहली बार में नहीं आएगा, हर बार में नहीं आएगा, कई बार गलत भी होगा, लेकिन स्टार्ट करो, जस्ट गिव इट अ स्टार्ट। दूसरा, WAT के एग्जाम्पल देखो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जो है वो आप लोग एग्जाम्पल्स देखो, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, कई और लोग भी आपको बता देंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखो और उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करो कि अपने जो सेंटेंसेस बना रहे हो आप वो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब में इंप्रूवमेंट होगा। एक और चीज, जो भी नया वर्ड्स आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज इनकल्केट, सो ट्राई टू इनकल्केट दिस वर्ड इन योर डेली वोकैब। ठीक है, जो भी अपनी बातचीत कर रहे हो, अगर इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खुद से क्वेश्चन अगर जैसे आप पूछते हो, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा वो हम क्या करते हैं, लेकिन खुद से अगर बातें कर रहे हो तो ट्राई टू स्पीक विथ टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। जो थॉट्स भी है ना वो इंग्लिश में आनी चाहिए, थोड़ा इस तरह से बातें करो खुद से। दूसरों से भी कर रहे हो तो कोशिश करो, करो बातें इंग्लिश में बातें करो। कोई भी नया वर्ड आपको मिल रहा है ना, उस वर्ड को अपनी स्पीच में, अपनी डेली यूसेज में इंक्लूड करो। ठीक है, इनकल्केट करो। आया समझ? आपको अलग अलग तौर पे वो दे रखे होते हैं। ठीक है, ये है। अब उसमें से ये भी हो सकता है कि भाई जो सी है ये आपका स्टार्टिंग वर्ड हो सकता है। ठीक है, ए जो है वो आपका कंक्लूडरी लास्ट वाला हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें रहती है जो सीक्वेंसिंग होती है, अगर उसको फॉलो करोगे आप, तो रिदम है सेंटेंस के, उसको फॉलो करोगे, बेसिकली एक सेंटेंस को आप देख लो, फॉर एग्जांपल हम इसको ही डिवाइड कर देते हैं फॉलो। ठीक है, ये और ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि भाई फोर कनेक्टर से तो इस्तेमाल यूज होगा नहीं, एंड से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, द सेंटेंस एंड लुक से कुछ मीनिंग बना नहीं रहा है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फॉलो द सीक्वेंसिंग, फिर हमने देखा फॉलो द सीक्वेंसिंग लुक फॉर कनेक्टर्स, तो समझ में नहीं आ रहा। फॉलो द सीक्वेंसिंग एंड सेंटेंस एंड लुक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉलो द सीक्वेंसिंग एंड रिदम, हाँ यहाँ थोड़ा मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ जाएगी। जो भी ओपनिंग फ्रेजेस हैं उन पे फोकस करो, जो क्लोजिंग फ्रेज हैं उन पे फोकस करो, जो ट्रांजिशन फ्रेजेस होते हैं ठीक है, जैसे कि इसमें ट्रांजिशन फ्रेज कौन सा हो गया, ये हो गया सेंटेंसेज एंड लुक। ठीक है, या फिर ये यहाँ पर हो गया एंड वाले कनेक्टर्स हैं, ये ट्रांजिशन वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिनिश ऑफ ऑल द ऑप्शन फर्स्ट एंड देन फॉर्मिंग योर पैटर्न्स, इसमें भी सेम चीज करनी हमें फॉलो, कि पहले सारे के सारे जो भी ऑप्शंस ऑप्शंस हैं उनको पहले ट्राई करो। ठीक है, जो भी मीनिंगफुल आ रहा है क्या बोलते हैं उसको देखो, फिर उसके बाद में फॉलो अप करो बाकी सारे ऑप्शंस के थ्रू। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब एक जनरल स्ट्रेटजी जो हमारे पास हमारी रहनी चाहिए हाई स्कोर करने के लिए, तो सबसे पहले फोकस हमारा करना है कि मोर देन 100 क्वेश्चन, 120 कर रहे हो तो ऑल इन वेल, लेकिन 110 या 110 से आपको प्लस करने ही करने हैं। विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस 120 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड, एंड ऑप्टिमम स्कोर ऑफ मोर देन 80 प्लस मार्क्स शुड बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। इतना स्कोर हमें लेके चलना कि हम 80 करके चले, क्योंकि कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं भाई। ठीक है, और कट ऑफ को अगर आपको टच करना है, जैसे कि 100 तो अराउंड OTA का ही गया था। ठीक है, तो 110-120 आप समझ लो कमिंग डेज में आ जाएगा। ठीक है, तो 110 डेज में तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी 110 तो आपको लेके चलना ही चलना, इतना तो आपको मतलब करना ही करना है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स को हर बार याद रखना पड़ेगा कि आपका कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आपका कट ऑफ और हाई जाने वाला है, तो प्लीज ये चीज मेंटेन करके रखना। ठीक है, फिर अगर आप जो आपके कोर स्ट्रेंथ होती है, मतलब कुछ आपके जो कॉन्स्टेंट सेक्शंस होते हैं ऐसे जो आपके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छा था, पैरा जंबल काफी अच्छा था, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स और एंटोनिम्स, ये सब मेरे बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे 7 से 8 सेक्शंस या फिर ये कह लो कि 9-10 सेक्शंस हैं, वो आपके ऐसे होने चाहिए कि भाई आपकी एक्यूरेसी उसमें 100% हो,
100% से कम आपकी एक्यूरेसी उनमें होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब इतनी आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी का एम लेके चलेंगे तब हमारी 90-95 उसकी एक्यूरेसी होगी, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इतनी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है तब जाके आप उनमें काफी अच्छा कर पाओ, ठीक है। फिर बाकी कुछ जो सेक्शंस रहते हैं बचे हुए 4-5 सेक्शंस, उसमें इतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी ना हो या फिर इतनी ज्यादा कोर स्ट्रेंथ ना हो तो भी चल जाएगा। बट एटलीस्ट क्योंकि इसमें सेक्शंस रिपीट होते हैं, हमें पता है कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, हमें पता है पैरा जंबल्ड आएंगे, हमें पता है कि स्पॉटिंग एरर्स आएंगे, तो जब हमें पता है पहले से ही तो हम क्यों ना उनकी प्रैक्टिस करें। जीके में क्या होता है कि भाई आपको नहीं पता कि वर्ल्ड में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया में से कितने आ रहे हैं, और रिवर्स में से आएगा कि नहीं आएगा, ड्रेनेज में से आएगा कि नहीं आएगा, बट यहाँ आपको पता है, यहाँ आपको पता है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में से 10 क्वेश्चन तो 99% आएंगे ही आएंगे। बाकी सेक्शंस का भी आपको पता है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू वर्क ऑन देम। सिंपल इंग्लिश है, यू कैन क्लियर इट विद इजीली विद स्कोरिंग मार्क्स, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्पेशली योर मेंटर एंड यू कैन क्रिएट वंडर्स। ठीक? यस सर। क्यों ने रिपीट क्यों किया पता नहीं। ठीक है, ओके देन। अब हम डाउट्स लेते हैं कि भाई डाउट्स क्या है आप लोगों।